चार पंक्तियां निवेदन करती हूं, आप भी आनंद लेना और इस चेचिस को देखना कि इधर हड़प्पा मोहनजोदड़ो की पीढ़ी रखी है। अच्छा, इधर हड़प्पा मोहनजोदड़ो की पीढ़ी रखी है, आदि मानव से मानव बनने तक की सीढ़ी रखी है, और कपड़े भले ही बहुत अच्छे पहन रखे हैं, पर ऐसा लग रहा है जैसे बुझी हुई बीड़ी रखी है। देखो ऐसा है, मैं जानता हूं कि आप मेरे कब्र खुदवाने के लिए बैठे हुए हो प्रेरणा जी, ऐसा है ये तो अपने परिवार का कार्यक्रम है, एक बार ध्यान रखना कि प्रेम की नजर से देखो तो धड़कते दिल का भान आ जाए। अच्छा, ये भगवान जाने क्या कह रही है कि बुझी हुई बीड़ी रखी है, ये रखा है ना, आप ताली बजा रहे हो, मैं आपका वकील हूँ, तो आप सुनना पंक्तियाँ, इन्होंने जो भी कहा वो भगवान जाने, उसका जवाब ठीक हो तो आनंद लेना कि प्रेम की नज़र से देखो तो धड़कते दिल का भान आ जाए, सूखे हुए रेगिस्तान में लहलहाता ध्यान आ जाए, और मुझे बुझी हुई बीड़ी बता रही हो तो ध्यान रखना, आप चिंगारी बन के आ जाओ तो बुझी हुई बीड़ी में भी जान आ जाए। आपको बहुत आनंद आ गया, बुझी हुई बीड़ी में भी जान आ जा रहा, आपने है कर दिया मतलब गजब के बोले लोग हो आप, देखो तो सही, जिसमें बित्ती भर की जान नहीं है वो जान आने की बात कर रहा है। चार पंक्तियां आप कहो तो जवाब की पढ़ूं, तो सुनना कि राहुल की टूटी खाट आडवाणी से बेहाल लगते हो, यकीन नहीं हो तो देख लो भले कि राहुल की टूटी खाट आडवाणी से बेहाल लगते हो, मायावती के माया जाल मुलायम के शिवपाल लगते हो, और हालत तुम्हारी मध्यावती चुनाव जैसी है, बिना खासी बिना मफलर ही केजरीवाल लगते हो। देखो प्रेरणा जी ऐसा है कि मैं बेहाल ही सही पर तुम्हारी सदगति बना दूंगा। अच्छा इन्होंने जो कहा उसका जवाब सुनना कि मैं बेहाल ही सही पर तुम्हारी सदगति बना दूंगा, बेर अगर पालोगी तो जड़ मती बना दूंगा, और चुनाव चाहे मध्यावधि हो या आम चुनाव, अगर केजरीवाल समझोगी तो फिर मायावती बना दूंगा। मायावती बना दूंगा जैसे कोई काला जादू जानते हो, ये बना दूंगा और वो बना दूंगा। चार पंक्तियां अंतिम निवेदन करती हूँ, फिर अपने कविता पाठ पर आऊंगी, सुनना। लेकिन आपको ऐसा लगे कि जवाब बहुत सही दे दिया हो तो इस बार घनघोर तालियां आनी चाहिए, और राम प्यारे आपके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है, ये लड़ाने का काम आपने ही किया है, इसलिए सुनना। राम सबके जानती हूँ मैं, बहुत सालों से आ रही हूँ उज्जैन, और आज से यदि राम प्यारे नहीं भी है तो तुम्हारा नाम राम प्यारे ही हो जाएगा। सुनना कि ये मेंढक की प्रजाति जल परी से ऐठना चाहती है। अच्छा, गलत फहमी देखो अगले की। ये मेंढक की प्रजाति जल परी से ऐठना चाहती है तो धतूरे की जड़ पर गुल मोहर से चेटना चाहती है, और इसे ध्यान ही नहीं खुद की हालत और हालात का, ये टेम्पू की सवारी कार में बैठना चाहती है। बहुत कलाकार है उज्जैन के लोग, मैं जानता हूँ, इनका बस नहीं चले नहीं थी, मेरे को सिपरा में डुबो के इंदौर भेजे। पर एक बात ध्यान रखना प्रेरणा जी, मैं मेंढक को जल परी के दिल का चैन बनाना जानता हूँ। अब सुनना, इन्होंने जो कहा कि मैं मेंढक को जल परी के दिल का चैन बनाना जानता हूँ, गुलमोहर को धतूरे का फैन बनाना जानता हूँ, और माना कि मैं 2 रुपए की टेम्पो की सवारी हूँ, पर मैं अच्छे अच्छे कार को भी एरोप्लेन बनाना जानता हूँ। आप टेंशन मत लो मेरा, मैं क्या हूँ, मतलब गजब की बीमारी है। चार पंक्तियां अंतिम सुन लीजिए, भाभी जी आप सबकी ओर से मैं निवेदन करती हूँ अंतिम चार पंक्तियां, और फिर सचमुच अपनी बात शुरू करूंगी। सुनिए कि ये बड़ा ही सिरदर्द है
हालत इसकी माइग्रेन जैसी है। अच्छा, प्रयोग अच्छा लगे तो आशीर्वाद देना कि ये बड़ा ही सिरदर्द है, हालत इसकी माइग्रेन जैसी है। मैं मोदी की तरह हूँ, इसकी हालत राहुल के ब्रेन जैसी है, और मुझसे उलझने की कोशिश बिल्कुल मत करना, मैं रूस हूँ और तुम्हारी दशा यूक्रेन जैसी है। देखो, आपने ताली बजा दी, अच्छी बात है, लेकिन इसमें एक टेक्निकल फॉल्ट है। अब इन्होंने जो कहा ना, उसका जवाब ऐसा दूंगा कि आपको अगर आनंद नहीं आए तो के ना। इन्होंने जो भी कहा उसका जवाब सुनना कि मैं दवाई हूं, लेकर हर एक दर्द को हर लो। अच्छा, अब टेक्निकल फॉल्ट समझना क्या है। इन्होंने भगवान जाने क्या रूस ने यूक्रेन कहा, तो सुनना मंच भी कि मैं दवाई हूं लेकर हर एक दर्द को हर लो। मैं अमित शाह हूं, राहुल नहीं, ये बात दिमाग में भर लो। और हम तो मोहब्बत वाले हैं, झगड़े की जरूरत क्या है। तुम अगर रूस हो, मैं यूक्रेन, तो यूक्रेन पे कब्जा ही कर लो। झगड़ा खत्म। अभी कहाँ हुआ समझौता पंडित जी, अभी कहाँ हुआ। सुनिए कि मुझे तुम्हारा प्यार भी स्वीकार है। अच्छा, वाह, क्या बात है, जैसे गठबंधन तुम्हारे ही साथ हो गया हो। मुझे तुम्हारा प्यार भी स्वीकार है, और मेरा दिल भी बहुत बेकरार है, और जिस दिन तुम्हारा और मेरा रिश्ता कायम होगा, उस रक्षाबंधन का मुझे बेसब्री से इंतजार है, बेसब्री से इंतजार है। वो अच्छा हुआ टटवाल साहब चले गए, नहीं तो उनको समझ में आता कि ये वही लोग हैं जिसका फार्म ये भरवाने जाए, जमानत भी यही निपटवाते हैं। मैं आपका वकील हूँ, आप मेरी फाइल निपटाने में लगे हो। लेकिन देखिए, इन्होंने कहा चार में चार नहीं, साढ़े तीन पंक्ति में बात खत्म करूंगा। अपन इंदौर उज्जैन मालवा के लोग हैं, अपन कोई कम तो है नहीं। अब मैं चार नहीं साढ़े तीन पंक्ति बोलूंगा, और आखिरी की आधी आप बोलोगे। इस बात की गारंटी है कि प्रेरणा तुम हो बांसुरी अदरों की, मैं अल्ट्रासाउंड बैंड हूँ। कि प्रेरणा तुम हो बांसुरी अदरों की, मैं अल्ट्रासाउंड बैंड हूँ। तुम हो धर्म पत्नी किसी की, मैं भी एक हस्बैंड हूँ। और सरे महफिल सबको सुनाने से क्या फायदा, तुम भी सेकंड हैंड हो।